तो हम आज इसमें देखेंगे एक ना विंगडिंग्स टू नाम से क्या एक फॉन्ट है, वो क्यों काम आता वो हम देखेंगे। जैसे मान चलो हमारे पास यहाँ चेक नंबर है, ठीक है। अब चेक नंबर में ये दिखाने कौन से जो जो है क्लियर हो गए और कौन से चेक नंबर जो है क्लियर नहीं हुए हैं। तो एक एग्जांपल मान के चल रहे हैं, हम ऐसी को नीचे ड्रैग कर देता हूँ, ठीक है। ये हमारा ये कुछ चेक है हमारे पास, और हमें ये दिखाना रिमार्क्स में कि भाई चेक क्लियर हुए हैं या नहीं हुए। अगर क्लियर हो गए तो टिक लग जाए, नहीं हुए तो क्रॉस आ जाए। तो रिमार्क्स हमें दिखाना है तो कोई चेक ऐसा तो नहीं कोई क्लियर ना हुआ हो बाई चांस। तो क्या करेंगे, यहाँ एक मैं हिंट दे रहा हूँ, हिंट में क्या है और काफी काम आता है। अगर आप कैपिटल पी राइट करेंगे सेल में तो उस पे ना राइट का चेक लग जाएगा, मतलब राइट चेक लग जाएगा उसके ऊपर, ठीक है। राइट चेक। और यदि मैं यूज करता हूँ कौन सा वाला सिंबल, अगर हम यूज करते हैं कैपिटल लेटर में क्यू तो आएगा क्रॉस, क्रॉस लग जाएगा उसमें, क्रॉस चेक उसमें लगेगा, क्रॉस चेक। तो देखते हैं इसको हमने करा सेलेक्ट, और एक विंगडिंग्स टू, विंगडिंग्स टू मतलब एक फॉन्ट है इसके अंदर विंगडिंग्स टू, विंगडिंग्स टू नाम से देखना फॉन्ट है इसके अंदर, वो हम देखते हैं। स्पेलिंग गलत होती है तो इसे सेलेक्ट करो और यहां आ जाओ फॉन्ट में, और यहाँ विंगडिंग्स टू सबसे इसे स्क्रॉल बटन को नीचे ड्रैग करो, सबसे लास्ट में आ जाओ, ये रहा विंगडिंग्स टू, इस पर क्लिक कर दिया हमने। और देखना आप, मैं जैसे ही कैपिटल लेटर में पी लिखूंगा तो अपना आप ही चेक का क्रॉस आ जाएगा, लग गया। ये फॉन्ट है तो सिंबल नहीं है, पर वो सिंबल में कन्वर्ट कर देता है। ये फॉन्ट का काम ही है किसी लेटर को क्या है सिंबल में कन्वर्ट करना। अगर मैं कैपिटल लेटर में क्यू राइट करता हूँ तो क्रॉस लग जाएगा, देखो जैसे हम क्यू राइट कर रहे हैं तो क्रॉस आ रहा नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे जैसे मैं कैलकुलेटर में पी लिखूंगा तो राइट चलेगा। तो इस तरीके से हम क्या रिमार्क्स को देने के लिए भी ना विंगडिंग्स टू एक यहाँ पे क्या फॉन्ट है, इस पर यदि हम उसे अप्लाई कर देंगे तो ये हमारे क्रॉस का जो सिंबल देखो यहाँ पे आ भी रहा है, ये रहा विंगडिंग्स टू, ये फॉन्ट होता है एक प्रकार का। ये करता है लेटर को सिंबल में कन्वर्ट करने का वर्क करता है। तो ये दो ध्यान देने, कैपिटल लेटर पी जो होता है राइट चेक के लिए, और कैपिटल लेटर में जो क्यू होता है वो क्रॉस के लिए होता है, क्रॉस चेक अप्लाई करने के लिए। जैसे हम क्या लिस्ट तैयार करते हैं, जब हम इसे प्रिंट देंगे आगे तो इसमें पता रहेगा कि हाँ ये चेक क्लियर होगा और ये अभी क्लियर नहीं हुआ है। अब आगे देखिए, आज हम इसमें सीखेंगे ऑपरेटर क्या होते हैं, ऑपरेटर क्या होते हैं, ऑपरेटर बताते हैं आज। तो सबसे पहले ऑपरेटर हमारा इसमें होता है प्लस, प्लस करने के लिए, माइनस हटाने के लिए, मल्टीप्लाई मल्टीप्लीकेशन करने के लिए, और ये वाला सिंबल है डिवाइड का, ये नहीं आ रहा है। मुझे बताओ ये कैसे आएगा, आपने पिछली क्लास कवर कर लिया है ढंग से। परसेंटेज है ये आ गया, कैरेट है ये पावर निकालने का वर्क करेगा, ठीक है। इक्वल है, इक्वल जैसे हम कोई होते हैं हमारे चीज इक्वल से, या एक्सेल के जो फंक्शन फार्मूले इक्वल से ही स्टार्ट होते हैं हमेशा, इक्वल भी क्या है एक सिंबल, एक ऑपरेटर एक प्रकार का। अब मुझे यहाँ डिवीजन सिंबल आना, तो उसके लिए सिंगल एपोस्ट्रोफ लगाएंगे हम, तब इसे प्रेस करेंगे तब आएगा ये, वैसे नहीं आएगा डायरेक्ट ये, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट क्यों नहीं आता। यहाँ पे ना इस सिंबल को किसी भी सेल में इंसर्ट करने के लिए क्या करना होगा, या तो इसको हम टेक्स्ट में कन्वर्ट करें, या फिर क्या करें टेक्स्ट में कन्वर्ट आएगा सिंगल एपोस्ट्रोफ लगाएं और इस सिंबल को इंसर्ट करेंगे तो ये सिंबल हमारे पास इस तरह आ जाएगा, ठीक। अब हमारे पास इन ऑपरेटर का हम यूज सीखते हैं, मैं इनका यूज कैसे प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे यूज होता है, क्योंकि फंक्शन और ऑपरेटर साथ साथ चलते हैं एक्सेल के अंदर कैलकुलेशन के मामले में। जब भी हम प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लाई पर ये निकालते हैं तो इसमें ये काम आते आते हैं। तो ऑपरेटर में हम सबसे पहले हमारे पास क्या है, कुछ नंबर है, नंबर जैसे 50 है, 10 60 है, 80 है, 90 है, 100, यहाँ पे हमने कहा थाउजेंड्स में कुछ नंबर्स। अब मुझे सम करना है, सम निकालना है मुझे इन सभी का। अब हम जो सम निकाल रहे ना, अभी हम फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे, फंक्शन का यूज नहीं करेंगे बिल्कुल भी। जैसे मान लो इनका सम मुझे इस सेल में चाहिए, टोटल इनका मुझे यहाँ चाहिए, यहाँ चाहिए इस सेल के अंदर, तो इक्वल टाइप करेंगे। सबसे पहले इक्वल क्या है, क्योंकि सारे फंक्शन फार्मूले किससे स्टार्ट होते हैं, इक्वल सिंबल से स्टार्ट होते हैं। देखो
ऊपर आप देखोगे सारे जो टैब हैं सारे काम करने बंद कर देते हैं अंदर ऑटोमेटिकली। तो यहाँ पे हमें क्या जोड़ना है, तो हमने क्या करा इसको सेलेक्ट करा, अब इसका ना एड्रेस आएगा E9 E39 का इसका एड्रेस है, सेल का एड्रेस है, और एड्रेस पे क्या उसकी वैल्यू रखी होती है। E39 पे क्या है 50 है, प्लस इंसर्ट करेंगे मैनुअली, फिर सेलेक्ट करा प्लस, फिर हमने इसे सेलेक्ट करेंगे, फिर प्लस मैनुअली टाइप करेंगे फिर इसे। तो इस तरह अगर हम कैलकुलेशन करने लग जाए ना, ये ना छोटी नंबर पे कैलकुलेशन करना, 4-5 नंबर को जोड़ पाना तो वेरी इजी है, पर ज्यादा नंबर होंगे तो उनको जोड़ने में ना कॉम्प्लेक्स रहेगा हमारे लिए, तो ये फिर हमारा फॉर्मूला काम नहीं करेगा, फंक्शन यूज करते हैं फिर हम। अभी हमने देखा कि किस तरीके से हम क्या है दो संख्याओं का जो हमें सम निकालना होता है उसको हम किस तरीके से ऑपरेटर का प्रयोग करके सम निकालते हैं। यहाँ पे अगर जब हम क्या होता है, अब मान चलो मुझे इस संख्या का भी सम करना है और मुझे इस संख्या का भी सम करना है, तो क्या करेंगे इक्वल, तो इसको सिलेक्ट कर लेंगे यहां से और प्लस, प्लस सिंबल ऑपरेटर लगाएंगे प्लस वाला और इसको सिलेक्ट कर लेंगे, तो दोनों का सम आ जाएगा नहीं आ जाएगा, दोनों का सम आ जाएगा। अगर मान लो इसमें से मैं क्या करता हूँ ब्रैकेट को क्लोज करके, ब्रैकेट को मैं कर देता हूँ क्लोज और मैंने क्या कर दिया माइनस कर दिया है, कितना ये वाली संख्या माइनस करूंगा तो बचेगा मेरे पास 100 ही बच जाना है, तो इसको हम क्या करेंगे माइनस कर देंगे और एंटर कर देंगे, तो 1000 बच गया नहीं बच गया हमारे पास। तो इस तरीके से क्या है प्लस का यूज तो करते हैं सिर्फ किसी नंबर को अलग अलग जगह जो नंबर हमें दे रखी अमाउंट्स है हमारे पास उसको जोड़ने के लिए क्या है सम हमें काम आता है। एक्सेल के अंदर इतना जबरदस्त ऑप्शन है सम, इसके बगैर एक्सेल में काम होती ही नहीं, क्योंकि हमें सैलरी जोड़नी पड़ती है, मंथ कैलकुलेट करने पड़ते हैं, वहाँ पे सारी चीज़ें जोड़नी ही पड़ती है। अब जोड़ने का एक इतना जबरदस्त ट्रिक है हमारे पास ना, मैं बगैर कोई फंक्शन फावे लगाए बगैर इन सबको जोड़ दूंगा। देखो इनको सेलेक्ट कर लो, नीचे देखो यहाँ पे सम आ चुका है 2800 सी आ रहा नहीं आ रहा है, सब समझिंग तरीका है चेक करने का। तो ये ना हमें जो इसका टास्क बार उसमें दिख जाता है, देखो सम 2280 आ रहा है, 2280 ही यहाँ आया था, और मैक्सिमम नंबर कौन सा है इसमें ये भी दिखा रहा है, काउंट भी कर रहा है टोटल नंबर कितने हैं 6, एवरेज कितनी है क्योंकि 6 है, 6 को डिवाइड कर दीजिए, 6 से डिवाइड कर देंगे 2280 को तो एवरेज निकल कर जाती है हमारे पास। तो देखो मिनिमम भी काउंट कर रहा है, मैक्सिमम भी और सम भी दिखा, बिगर फंक्शन लगाए, जैसे मान लो हमें कई बार चेक करना पड़ता है कि भाई इसका सम कितना आ रहा है, किसी को बताना है हमें, तो बस हमने रेंज को सेलेक्ट किया, हमने देखा अरे इसका 2280 सम आ रहा है, तो यहाँ से भी चेक करके बिगर फंक्शन लगाए बगैर में क्या है निकाल सकता हूँ। ये सिर्फ नंबर पर चलेगा, ये ध्यान देना, ऐसे नहीं कि आपने कोई टैक्स सेट कर लिया है उस पर काम करेगा, ये बस काउंट करेगा ओनली, ये ध्यान देना। अगर टैक्स है तो सिर्फ काउंट करेगा, अगर नंबर है तो ये जितने इसमें ऑप्शन चालू हैं जो हमने चालू कर रखे हैं टास्क बार के अंदर, अगर देखो यहाँ पर मैं राइट क्लिक करता हूँ तो यहाँ ना कुछ ऑप्शन आ रहे हैं, ये टैब खुली हमारे पास कस्टमाइज स्टेटस बार, आप चाहो तो यहाँ पे ऐसे नमलॉक है, मैक्रोज रिकॉर्डिंग यहाँ लगाना है, नंबरिंग काउंटिंग का आपको यहाँ अप्लाई करना है, देखो नंबर काउंटिंग आप लगा दीजिए, नंबर काउंटिंग दिखाएगा ये नंबर काउंट कितने 6 हो रहे, क्योंकि जब हमने यहाँ अप्लाई किया तो ये सिर्फ क्या कर रहा है, अगर मैं टेक्स्ट में काम करूंगा तो ये टेक्स्ट को काउंट करके दिखाएगा ओनली बस, अगर नंबर पे हम आ रहे हैं तो नंबर को ये यहाँ पे क्या काउंट कर रहा है, देखिए वैसे भी कर रहा है काउंट, एक वैसे भी आ रहा है और नंबर भी काउंट कर रहा है। तो इन ऑप्शन को हम चालू बंद भी यहाँ से राइट क्लिक करके ये जो ऑप्शन है इनको हम चालू बंद भी कर सकते हैं। सम कहाँ पे चालू हो रहा है पहले से ही, इसमें चेक लगा हुआ है, हटा देंगे तो हट जाएगा, देखो इनका रिजल्ट इधर भी आ रहा है, साथ में इनका रिजल्ट इधर भी आ रहा है, ये जो ऑप्शन यहाँ पे दिख रहे हैं इनको हम हट यहाँ पे इनको हम चालू भी कर सकते हैं स्टेटस बार के अंदर, और इन्हें हम यहाँ से बंद भी कर सकते हैं, अपनी सुविधा अनुसार देखना होता है, अपनी सुविधा के अनुसार हम करते हैं। तो सम निकालना आ गया, किस विधि के द्वारा सम निकालते हैं, अगर मैं अलग अलग नंबर को सिलेक्ट कर लेता हूँ, अब मल्टीपल सिलेक्शन एक्सेल में कैसे होता है, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है कि हाउ टू सेलेक्ट मल्टीपल सेल इन सिंगल टाइम, हम एक बार में अलग अलग सेल को कैसे सिलेक्ट कर पाएंगे। अब मानो आपसे बोले कि ये सिलेक्ट करना है फिर ये भी सिलेक्ट करना, अगर इसे सिलेक्ट करता हूँ तो ये छूट जाता है क्योंकि फिर ये अनसेलेक्ट हो गया, इधर आया तो फिर अनसेलेक्ट हो गया, तो हमें क्या करना कीबोर्ड से कंट्रोल दबा के रखना है, कंट्रोल दबा के रखिए, अब जितने आपको सेल सिलेक्ट करने आप एक साथ सिलेक्ट कर सकते, इसको बोलते हैं मल्टीपल सिलेक्शन। तो देखिए इनका सम आ रहा है 3410 टोटल अमाउंट का जो है नंबर का सम आ रहा है, तो कंट्रोल दबा के ना आप कितने भी सेल को सिलेक्ट कर लीजिए, और कंट्रोल दबा कर रखने से ये फायदा है तो मल्टीपल सिलेक्शन हमारा हो गया, और इनको मुझे कोई कलर वगैरह देना है मान लो इनको फिल करना है तो इनको एक साथ में फिल भी कर सकता हूँ, जितने भी सेल हैं इनको मैं एक साथ डिलीट भी कर सकता हूँ, अगर मैं डिलीट बटन पर करूँगा डिलीट हो जाएंगे ये, हम चाहें तो इनके एक साथ साइज भी बढ़ा सकते हैं। तो मल्टीपल सिलेक्शन का हमें ये बेनिफिट होता है, मान लो अलग अलग हमें क्या करना, जैसे मेरे पास कुछ डेटा है
अब मुझे क्या करना है कि इसको ना मुझे इस कॉलम को यहां से कॉपी करके अलग निकालना है और इसको भी कॉपी करके अलग निकालना है। तो क्या करेंगे, पहले इसको सिलेक्ट कर लो और इसको सिलेक्ट कर लो कंट्रोल दबा के। तो ध्यान देना दोनों ही ना सेम रो जहां तक ये सिलेक्ट किया है वहां तक ही ये सिलेक्ट होना चाहिए, तब तो इसकी कॉपी हो जाएगी, तब तो इसकी कॉपी हो सकती है। तो इसमें कॉपी करता हूँ कंट्रोल सी से और मैं जहां पे भी एंटर कर दूंगा तो दोनों रिजल्ट मेरे सामने, जैसे मान लो ये सीट मुझे यहाँ चाहिए, एंटर कर दिया रिजल्ट यहाँ आ जाएगा। आगे नहीं आ गया। अगर हमने क्या करा कि मैं एक सेल यहाँ सेलेक्ट कर लिया, एक यहाँ कर लिया, एक यहाँ कर लिया, तो ये कॉपी होंगे ही नहीं, आप ये कॉपी नहीं हो सकते। बस मल्टीपल सिलेक्शन हो सकता है, इनको हम बोल्ड इटैलिक कर सकते हैं, पर एक साथ इन पे हम क्या है मतलब कॉपी नहीं कर सकते। कॉपी हम तभी कर सकते हैं या तो वो एक रो में हो या फिर वो एक कॉलम में हो, जैसे यहाँ पे है, इसी में कंट्रोल दबा के मैंने ये सिलेक्ट कर लिया, फिर ये कर लिया, फिर ये कर लिया, तो इनकी हम कॉपी कर सकते हैं, या तो ऐसे होना चाहिए, या फिर क्या है कॉपी करने के लिए रो में कर रहे हैं तो कंट्रोल दबा के फिर एक रो में होना चाहिए वो, इस तरीके से। अब कंट्रोल सी में करूंगा तो कॉपी हो जाएंगे और जहां एंटर कर देंगे इस तरह से हमारा जो डेटा यहाँ निकल के आ जाएगा। आगे नहीं आ गया। तो ये मल्टीपल सिलेक्शन हम एक्सेल में कर सकते हैं। तो अब देखिए आगे हमने प्लस को सीखा, अब माइनस देखते हैं माइनस कैसे यूज होता है। माइनस तो वो ये कि माइनस का ना कोई फंक्शन तो इसमें है नहीं, माइनस आपको स्वयं मैनुअली ही इंसर्ट करना होता है सिंबल, जैसे हमने सेलेक्ट करा, आपने क्या करा कि एक वैल्यू राइट की और माइनस कर दिया इसमें से। जैसे नॉर्मल लाइफ में हम कैलकुलेशन के लिए यूज में आते हैं तो सम प्लस माइनस परसेंटेज, जो सामान्य लेवल के हम कैलकुलेशन करते हैं ना अपने दैनिक दिनचर्या में, वही सारी चीज ना कैलकुलेशन एक्सेल के थ्रू भी कर सकते हैं, प्लस करना हो माइनस करना है डिवीजन, और ये काम को और तेजी से करेगा। अगर हम मैनुअली इस काम करने बैठ जाए तो हो सकता है उसमें निकालने में उस कैलकुलेशन करने में थोड़ा टाइम लगे, इसमें क्या है सेकंड में कर देता है। एक को लिखा 45 मल्टीप्लाई 2 तो आंसर हमारा आ गया 90। अब देखो हमने प्लस सीख लिया माइनस सीख लिया, अब मल्टीप्लाई की आवश्यकता क्यों होती है। मल्टीप्लाई की आवश्यकता हमें इसलिए होती है, मान के चलिए मेरे पास यहाँ डे है और मैं यहाँ पे एब्सेंट प्रेजेंट का वर्क कर रहा हूँ। अब एक व्यक्ति 31 दिन में से, ठीक है हम एक एग्जांपल मान लें डे यानी कि जनवरी, अब जनवरी में तो 31 दिन होते हैं, जनवरी हो गए आपके 31 डे जनवरी, तो ये तो 31 की होती है। अब मान के चलो क्या हुआ कि जो व्यक्ति प्रेजेंट रहा है ना, वो जो अपने काम पर आया है वर्क डे 31 में से वो कितने दिन आया है, मान लो वो 24 डे आया है, हम मान के चल रहे कि वो 24 डे क्या है अपने वर्क उसने किया है, और जबकि सैलरी महीने के हिसाब से बनती है 31 दिन का मतलब है कि जब हम पहले तो हमें एक दिन की सैलरी पता हो, महीने सैलरी यही बना सकते हैं हम, तो एक दिन की सैलरी को निकालने के लिए हमें पता है क्या करना होगा। अब मान के चलिए हमारे जैसे यहाँ पे एक मेरा एम्प्लॉय है और इसकी सैलरी है 31,000 रुपये महीने की, चाहे 30 का हो चाहे 31 का हो, महीने की सैलरी 31,000 ही है इसकी, ठीक है कैलेंडर मंथ के हिसाब से है। अब ये व्यक्ति तो आया है कितने 24 दिन, पर हमें 24 दिन की सैलरी निकाली ना कि 31 दिन, ये तो 31 दिन की होगी, ये तो मंथ की सैलरी होगी, पर मुझे चाहिए 24 दिन की। पहले हम क्या करेंगे, पहले ना इस अमाउंट को 31 ना इसको डिवाइड कर दो तो एक दिन की सैलरी निकल कर जाएगी। भाई एक दिन की सैलरी कितनी है 1,000 रुपये, आप मल्टीप्लाई वैसे कर लीजिए सिंपल, तो 31,000 आता नहीं आता है। अब मान लो मुझे निकालनी है किसकी, मुझे 24 दिन की सैलरी चाहिए, भाई पहले तो हमारे पास एक दिन की सैलरी आ गई, ठीक है जब एक दिन की सैलरी हमारे पास आ चुकी है तो इसको अगर मैं 24 से मल्टीप्लाई कर दूँ वर्किंग डे से तो 24 दिन की आ जाएगी नहीं आ जाएगी। तो इस तरह कैलकुलेशन के लिए देखिए हम कैसे करेंगे। एक और लिखा, सबसे पहले हम करेंगे ब्रैकेट को ओपन और सेलेक्ट करेंगे ऐसे, इसे डिवाइड कर देंगे किससे 31 से, ये आपको मैनुअली राइट करना होगा, ब्रैकेट आप कर दीजिए क्लोज और मल्टीप्लाई कर देंगे किससे 24 से और एंटर कर दीजिए, आपकी सैलरी क्या 24,000 रुपये आ रही है, 24 दिन की 24,000 आपकी सैलरी आ रही है। हमने क्या करा, इसमें आप जमा लीजिए सैलरी 45,000 है, उसकी सैलरी ऑटोमेटिकली चेंज होती रहेगी बाय डिफॉल्ट, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या है एक दिन की सैलरी निकालते हैं, टोटल सैलरी को डिवाइड कर दो टोटल डे से तो एक दिन की सैलरी आ जाएगी, जितने दिन की निकालनी है उसको क्या है उतने दिन से मल्टीप्लाई कर दो तो उतने दिन के हमारे पास ना सैलरी निकल के आसानी से आ जाएगी। तो इस तरीके से क्या हमारा डिवीजन जो फार्मूला वो वर्क करता है। और डिवाइड कई तरीके से ऐसे भी लेते हैं, जैसे हमने मान लो प्रैक्टिकल लाइफ में मार्क्स प्राप्त करे 450,
तो हम क्या करते थे, सीधा से डिवाइड करते नहीं करते, 5 से 45 90, बस 2 से डिवाइड कर दीजिए तो 90 आ जाएगा हमारा। तो इस तरीके से हम डिवीजन जो फार्मूला हमारा ये यूज में आता है, आप किसी भी संख्या को डिवाइड कर सकते हो आसानी से। एक जैसे अभी हमने यहाँ देखा कि हमने इक्वल और 31 डिवाइड बाय कितना, सॉरी पहले सैलरी सेलेक्ट कर लेंगे, सैलरी का जो कॉलम उसे सेलेक्ट कर लेंगे, डिवाइड कर देंगे, जैसे मान लो 30 का महीना है, 30 से डिवाइड कर देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे जितने दिन वो प्रेजेंट रहा है, जैसे मान लो 21 दिन प्रेजेंट रहा तो 21 दिन की सैलरी ऐसे निकाली जाती है इसमें। इसमें क्या डिवीजन और मल्टीप्लाई का एक साथ यूज होता है। फिर एक तो डिवाइड हमने नॉर्मल यूज कर लिया, जो डिवीजन हमने चलाया यहाँ पे एक तो नॉर्मल चलता ही है। अब किसी संख्या का डिवीजन आसानी से कर दीजिए किसी संख्या से मल्टीप्लाई करके, आपको रिजल्ट आ जाएगा इस तरीके से। तो आप इसे मल्टीप्लाई के साथ यूज करके अपने यहाँ पे सैलरी भी तैयार कर सकते हैं अपने। अगर आप किसी संस्था में काम करते हैं उसकी जो सैलरी डे के हिसाब से कैलकुलेट की जाती है तो उसकी जो सैलरी हम डे के हिसाब से भी क्या है कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि वो वेरिएबल सैलरी होती है। फिक्स तो होती है कि आप 28 दिन आओ 29, वो एक अलग चीज़ है, वो गवर्नमेंट की पॉलिसीज के अकॉर्डिंग होता है। तो यहाँ पर हम क्या है डिवीजन, अब है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई मैंने आपको सिखा दिया कि मल्टीप्लाई हम क्यों करते हैं। अब एक एग्जाम्पल और लेते हैं मल्टीप्लाई का। मान के चलिए एक यूनिट का प्राइस हमें दे रखा है, मैं वैसे ही इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहा हूँ। यूनिट का प्राइस कितना है, जैसे मान लो 5000 रुपये है, कोई यूनिट्स हमारे पास कुछ भी हो सकता है। जैसे मान लो यहाँ हमारे पास लैपटॉप है, यहाँ कीबोर्ड है, इधर माउस है। अब ये सेल कितने हुए, सेल यूनिट, सेल यूनिट। अब मान लो जैसे 2 सेल हुए, 3 या 5, तो इनका ना पहले हमें टोटल निकालना होगा, तो टोटल निकालने के लिए ही मल्टीप्लाई चलेगा इक्वल। भाई जब एक का प्राइस जितना तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 का अमाउंट आ जाएगा, नहीं आ जाएगा तो इसको कर दीजिए नीचे ड्रैग। जब नीचे ड्रैग करेंगे तो ये रिलेटिवली ही क्या है नीचे, ये फार्मूला नीचे भी अप्लाई हो जाता है अपने आप। देखो ये मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ तो ये फार्मूला इधर भी आ गया, जब मैं नीचे गया तो ये फार्मूला मेरा इधर भी खिसक गया नीचे। तो ऑटोमेटिकली फिर इनका हम क्या आसानी से सम निकाल सकते हैं। तो सम निकालने के लिए इक्वल सम नाम का जो फंक्शन उसे इंसर्ट करेंगे, या इससे भी शॉर्ट मेथड है कि आप इसे सेलेक्ट करके भी हमें चेक कर सकते हो कितना सम है, 24000 रुपये अमाउंट आ रहा है। और आप नीचे सम ही चाहते हैं इसका, तो यहाँ पे ऑटो सम है, इस पर क्लिक कर दीजिए तो आपका सम ऑटोमेटिक यहाँ निकल कर आ जाएगा। तो 24000 का हमारा क्या है सम आ रहा है। तो इस तरीके से हमारा जो है कौन सा फंक्शन यूज करा, मल्टीप्लाई का हम प्रयोग करते हैं। जब एक क्वांटिटी को दूसरी क्वांटिटी मल्टीप्लाई किया जाता है तो वहां पे इस तरीके से आप टोटल कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, तो मल्टीप्लाई कई तरीके से हमने समझ लिया है, प्लस हमने समझ लिया, माइनस। अब आते हैं परसेंटेज पे, परसेंटेज कैसे बढ़ता है। अगर इन्हें मल्टीप्लाई करना हो तो फिर वही फार्मूला लगाना पड़ेगा। हाँ, मल्टीप्लाई किसको करना है, टोटल वैल्यू है लो इसे, तो 24000 सम आ गया। ठीक है, ये तो सम है हमारे पास 24000, अगर मल्टीप्लाई करना हो 10000 9000 5000 हो जाएगा। मैनुअली करने होंगे मल्टीप्लाई का, ऐसा कोई डायरेक्ट वो नहीं है, डायरेक्ट भी है डायरेक्ट कराएंगे। डायरेक्ट इसका ये है कि आप इसे इक्वल है प्रोडक्ट नाम का एक फंक्शन है, मल्टीप्लाई करने के लिए प्रोडक्ट नाम का एक फंक्शन होता है, इन तीनों को एक साथ सेलेक्ट कर लीजिए और एंटर कर दीजिए, रिजल्ट कितना आ रहा है ये इस फॉर्म में आ रहा है। तो इसको क्या करेंगे, कंट्रोल वन पे जाएंगे, ठीक है, कस्टम पे आएंगे, आप एक हैज प्रेस कर देंगे, आंसर आ रहा है इस तरीके से। तो कंट्रोल वन के थ्रू इसको हम ला पाएंगे, क्योंकि 15 डिजिट हमारी कब से होती हैं, जब हम वहाँ पे एक हैज लगा दें कस्टमर में अंदर जाके तभी दिखेगा वो, क्योंकि 11 डिजिट तक तो नंबर विजिबल रहता है सेल में, उससे ऊपर नंबर की संख्याएं हैं 13, 14, 15 तक, तो क्या है उसको दिखाने के लिए हमें हैज प्रेस करना होगा, और ये मैंने पिछली क्लास में आपको कराया भी था। तो मल्टीप्लाई कर दीजिए इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। अब परसेंटेज, अब परसेंटेज हम क्यों निकालते हैं, ऊपर पिछली क्लास में कराया था परसेंटेज माने क्या, जैसे मैंने लिखा 2%, इसका मतलब क्या है, इसके बटे 100, 2/100 है इसका मतलब। अगर मैं इक्वल करके मैंने कर दिया 2/100, ये हमने मैनुअली तैयार करा है, ये भी 2% ही है, पता कैसे चलेगा, हमने लिखा इक्वल, मान लो कोई अमाउंट प्रिंसिपल दे रखा है 20000 रुपये, मल्टीप्लाई करेंगे बस इनको, ये इस मान लो 5 महीने का निकालना तो 5/12 कर दीजिए, ये 5 महीने का आ रहा है। अगर बात होती है यहाँ पे दिन की तो क्या करते, 365 इससे ये, और बात होती साल की बस तो 2000 आ रहा है, जो 5 साल का है 2% के हिसाब से 2000। तो ये परसेंटेज इस तरीके से निकालने में काम आता है। अगर इसके एक एग्जांपल हम और देखें, जैसे हम प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे करते थे परसेंटेज कैलकुलेशन, भाई को लिखा 20000 मल्टीप्लाई, और हमने कर दिया जैसे मान लो 5% है, तो हम करते थे 5/5
100 ऐसे करते थे, फिर मल्टीप्लाई। अब जैसे मान लो, अब हमारे पास क्या है, इसको और तरीके से समझते हैं। जैसे हमने क्या करा, ये हमने सेट कर लिया, फिर मल्टीप्लाई हमने करा कि भाई 5 महीने का चाहिए, तो 5 बटे इसके अंदर 12 कर दिया, ब्रैकेट को करेंगे क्लोज, इसको भी ब्रैकेट को क्या यहां से क्लोज कर दीजिए, ठीक है। अब इसको डिवाइड कर दो किससे, 100 से। जी आ गया सर। अब मैं ब्रैकेट यहां से हटा दूं, ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, हम यहां पे कैलकुलेशन कर सकते हैं। पर थोड़ा तो मैथमेटिकली नॉलेज हमें जरूर होना बहुत जरूरी है मैथ के बारे में। मैथ के बारे में ये कंसेप्ट नहीं पता है, प्लस माइनस के बारे में, डिवीजन किस तरह वर्क करता है, भाग कैसे की जाती है, तो फिर आपको रिजल्ट चेक करना भी डिफिकल्ट हो जाएगा आपके लिए कि रिजल्ट सही आ रहा है गलत आ रहा है। तो उससे पहले क्या है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन का आना बहुत जरूरी है। अब आइए कैरेट। कैरेट क्या है कि एक्सेल के अंदर पावर निकालने का वर्क करता है, जैसे 2 की पावर 3, तो आंसर 8 आएगा ना, 2 × 2 × 2, 2 × 2 = 4, 2 × 8, तो इक्वल 2 कैरेट, ये और 3 कर दिया हमने, 8 आंसर आ नहीं आ रहा हमारा। तो इस तरीके से हमारी क्या यहाँ पे कैलकुलेशन की जाती है। उसके बाद इक्वल, इक्वल तो मैंने बता दिया आपको, उसके बराबर कोई, जैसे इक्वल से हमारे क्या है फंक्शन भी स्टार्ट होते हैं, जैसे हमने लिखा 50 = 50, तो आंसर इसका ट्रू आएगा, क्योंकि 50 = 50 के है ही हमारा। तो रिजल्ट ये कोई मैसेज नहीं देगा आपको, ये आपको जो रिजल्ट ला के देगा ट्रू एंड फॉल्स में ला के देगा। मान लो मैंने यहाँ कर दिया 0, तो ये फॉल्स ला के देगा, क्योंकि उसके बराबर वो है ही नहीं, तो हमने आप 50 दिया तो 50 के बराबर आ रहा नहीं आ रहा हमारा। तो इस तरीके से हमारा इक्वल साइन, अभी हम आगे ऑपरेटर जब सिखाएंगे एडवांस लेवल में जब सिखाऊंगा इन चीज़ों को। डिवीजन मैंने बता दिया कि भाई कोई संख्या है, कोई मंथ है, कोई अमाउंट्स है, उसको आपको डिवाइड करना है, तो आप आसानी से क्या यहाँ पे इक्वल टाइप करके और उसे डिवाइड कर देंगे, जितने से आपको उसके डिवाइड करना है सेलेक्ट कर लीजिए, एंटर मारेंगे तो 1000 रुपये यहाँ पे हमारा आ रहा है। तो ये डिवीजन फार्मूला जो आपके इसमें भी था, मैंने वो देख लिया था। तो इस तरीके से डिवीजन फार्मूला का क्या है, हम यहाँ पे प्रयोग करते हैं, प्लस है, माइनस है, इनको मत देखो, ये जो ऑपरेटर आपको आने चाहिए कि प्लस कैसे काम करता है, ठीक है, माइनस क्या होता है, मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है, परसेंटेज माने क्या होता है, कैरेट एक्सेल में अलग तरीके सीखा है हमने, इक्वल साइन हमने देख लिया है कि सारे फार्मूले इक्वल से स्टार्ट हो रहे हैं, डिवाइड जो हमें लगता है कि किसी संख्या को, किसी अमाउंट को हमें डिवीजन करना है उसका, तो हमें क्या ये वाला जो ऑपरेटर है, डिवीजन ऑपरेटर आपको यहाँ पे अप्लाई करना होगा, तब आप आसानी से किसी संख्या का हम यहाँ पे डिवीजन उस काम कर सकते हैं। अब इसका एक एग्जाम्पल हम देखते हैं एक्चुअल लाइफ का, सैलरी शीट में दिखाता हूँ, एक कैलकुलेशन करके दिखाऊंगा छोटी सी। ये मेरे पास एक डाटा है, ठीक है, ये टीचरों का इसमें डेटा है, और यहाँ पे पेड सैलरी ऑफ जनवरी 2020, पेड इन फरवरी, तो ये मतलब सैलरी जनवरी की फरवरी में पे की जा रही है, और डेट इस तारीख को ही सैलरी दी जाएगी। यहाँ पे मिस्टर लोकेश, जिसकी जो प्रिंसिपल है, जिसकी यहाँ पे रिकॉर्ड भी रिकॉर्ड है उसका, इसकी सैलरी कितनी, 65,000 रुपये, इसका इंक्रीमेंट 1000 से हो गया है। तो इसमें पूरा कस्टम फॉर्मेटिंग और रैप टेस्ट का यूज हुआ है, कंट्रोल 1 का पूरा इसमें यूज हुआ है। अब इसमें देखो, यहाँ पे 1000 सेपरेटर अप्लाई हैं, 1000 सेपरेटर लगे हुए नहीं लगे हुए, यहाँ पे 1000 सेपरेटर का ही प्रयोग कर रखा है। अब यहाँ पे देखिए वर्किंग डे कितने दिन रहा, 31 दिन आया, पर मुझे सैलरी निकालनी है, सैलरी मुझे, अब ये सैलरी निकाली कैसे गई है ये समझिए, ये सैलरी कैसे आई है इधर, ये कैसे कैलकुलेट की गई है इधर। तो इक्वल लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन, क्या करेंगे, पहले टोटल जो सैलरी है, टोटल सैलरी क्या ये है, ठीक है, इसे डिवाइड कितने से करेंगे, 31 से, और जितने दिन ये आया है व्यक्ति, कितने दिन आया है ये, 31 दिन पूरे दिन ही आया है, तो इसे मल्टीप्लाई कर दो 31 से और एंटर कीजिए, तो इसकी जो सैलरी टोटल वही सैलरी आ रही जो इसकी सैलरी थी, क्योंकि 31 दिन रहा है तो बंदे की फुल सैलरी बनेगी, और बाकी की जैसे मैंने डबल क्लिक करा तो बाकी जो सबकी सैलरी, क्योंकि डे ऑलरेडी फिल है, तो उसके अकॉर्डिंग उनकी जो सबकी सैलरी है वो निकल के देखो कैलकुलेट होकर आ चुकी है। और है डैश क्यों आ रहा है, इसका रीजन है, इसके यहाँ 0 है, हाँ 0 है, 0 मतलब इस सिंबल में कन्वर्ट किया हुआ है। अब सैलरी दी आगे ESI, जैसे मान लो किसी कट रहा है, किसी का नहीं कटा तो हमने 0 वहाँ पे क्या है, वहाँ पे राइट कर दिया, हमने 0 यहाँ लगा दिया, ठीक है, जिसका कट रहा है उसको हमने क्या है यहाँ पे टाइप कर दिया कि इसका इतना कटना है, जैसे मान लो 360 कटना है, तो देखो अपना आप यहाँ पे माइनस होकर आ रहा है अमाउंट, मतलब पेड सैलरी ये बनी है उनकी, सिक्योरिटी भी कटने के बाद और ESI कटने के बाद। अब ये कैसे निकाला गया ये भी समझते हैं हम, इसको डिलीट करो, इक्वल सैलरी कितनी बनी थी ये, ठीक, तो पहले क्या है ब्रैकेट ओपन कर लो,
सैलरी सेलेक्ट करेंगे, माइनस कर देंगे क्या ईएसआई, और माइनस करेंगे क्या सिक्योरिटी, अगर इनकी है नहीं है तो कुछ नहीं आएगा, उस सैलरी वो आ जाएगी, इसका कुछ कटना ही नहीं है। तो डबल क्लिक करेंगे इस पर हम, तो जो इनकी सैलरीज है वो इन सब की निकल के एडमिट हो चुकी है। तो इनकी सैलरी जो मैंने फॉर्मूला लगाई है, फॉर्मूला बिहाव पर ही इनकी सैलरी जो है कैलकुलेट होकर आई है। देखा इसी जो घटनी थी वो घट के इसमें जो सैलरी बची, तो एक्चुअल सैलरी ना इनको ये पेड करनी है अपने स्टाफ को। तो इस तरीके से आप ना सैलरी शीट भी तैयार कर सकते हैं, जो बहुत ही बेसिक कंसेप्ट यहाँ पे स्कूल के अंदर सैलरी शीट तैयार की गई है। जो जो भी कंडीशंस हैं यहाँ वो अप्लाई की गई सैलरी शीट, यहाँ पे और भी हैं वैसे अन्य प्रकार की, नॉन टीचिंग स्टाफ आप देखेंगे सैलरी शीट है सारी बनी हुई है यहाँ पे। तो इस तरीके से ना आप छोटे छोटे ऑपरेटर्स का प्रयोग करके, प्लस माइनस डिवीजन का ऑपरेटर का प्रयोग करके भी आप ना सैलरी शीट का ना कैलकुलेशन आसानी से हम कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारे क्या है, जो ऑपरेटर्स हैं वो हमारे इस प्रकार से प्रयोग में आते हैं कि प्लस है, माइनस है, डिवीजन है। तो हमने क्या यूज करा यहाँ पे, सिर्फ वही प्लस माइनस चले हमारे यहाँ, डिवीजन ऑपरेटर प्रयोग करा और लास्ट में क्या है, इनकी सैलरी जो बनी वो निकल के आ गई हमारी। तो इस प्रकार से क्या है, हमारे जो ऑपरेटर है ना वो हमारे यूज में आते हैं। तो इनका ना इस प्रकार से प्रयोग होता है ऑपरेटर्स का, क्योंकि एक्सेल में ऑपरेटर का बेसिक लेवल पर बहुत ज्यादा यूज है इनका, क्योंकि इनके बगैर आपका काम होगा नहीं। तो जब आपको छोटे छोटे ऑपरेटर के बारे में नहीं पता है तो आप एक्सेल में कैलकुलेशन कर भी नहीं सकते किसी की। तो ये कैलकुलेशन जहाँ सम करना है, माइनस करना है, डिवीजन है, परसेंटेज है, आपको डिवीजन करना है, तो ये ऑपरेटर वहाँ पर काफ़ी सहायता हमें प्रदान करेंगे छोटे छोटे कैलकुलेशन करने में, जोड़ करने में, घटा करने में, गुना करने में। ये हमें लाइफ टाइम जो है काम आने वाले फार्मूले हैं, ये ऑपरेटर हमारे हमेशा ही चलते हैं।